टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, आठवां सेशन, आखिरी सेशन है मैथ का। ये सेशन छठी सातवीं आठवीं के लिए बनाया गया था और सात क्लासेस हम ले चुके हैं पहले, मुख्तलिफ चीज़ें हमने पढ़ी, तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, कोशिश करेंगे आज, एक तो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे अलजबरा। अलजबरा की बेसिक हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अलजबरा तो बहुत बड़ा टॉपिक है और आगे आपको सारा मैथ ही अलजबरा में पढ़ना है, तो हम यहाँ सिर्फ बेस आपको बना के देंगे अलजबरा की, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से क्या मुराद है? जब लफ्ज आता है स्क्वायर रूट तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ये लफ्ज है 125, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करें, ठीक है, तो दरअसल आपको एक ऐसा लफ्ज या ऐसा अदद मालूम करना है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए, 5 है वो, ऐसा नंबर कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 25 आए, वो नंबर 25 का स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ गई बात? तो हम बोलेंगे 5, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? हम बोलेंगे 6, वो नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, 5 वो नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। हम बोले 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7, 64 का क्या होगा? 8। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं स्क्वायर रूट, कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो दिया हुआ नंबर आ जाए। ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है समझ में आना। और असल में ये स्क्वायर जो लफ्ज है, स्क्वायर, इस स्क्वायर के मतलब होता है चौकोर, ऐसा शेप जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब जैसे ये 25 है ना, तो 25 लड़के हैं हमारे पास और हमें उनको एक स्क्वायर में खड़ा करना है, तो हम इस तरह खड़ा करेंगे, 5 लड़के एक लाइन में और 5 ही लाइनें होंगी, 5 लड़के एक लाइन में और 5 ही लाइनें, तो ये बन गया स्क्वायर। क्या बन गया? तो 25 लड़कों का स्क्वायर बनाया, एक लाइन में कितने आए और लाइनें भी कितनी बनी, 5। तो दरअसल जब आप कहते हैं ना 25 का स्क्वायर रूट मालूम करें, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि 25 लड़कों को एक स्क्वायर की शक्ल में खड़ा करना है। ये बताइए कि एक लाइन में कितने लड़के खड़े होंगे और कुल कितनी लाइनें बनेंगी। तो जो स्क्वायर रूट आप निकालते हो वो आपको बताता है कि एक लाइन में इतने स्टूडेंट खड़े करने हैं और इतनी ही लाइनें बनानी है। ये बात समझ आ गई आपको? स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए कि जो नंबर होता है उसको जब आप प्लॉट करते हैं तो क्या डेवलप होता है? एक स्क्वायर डेवलप होता है। उस स्क्वायर के अंदर एक लाइन में जितने लड़के खड़े हैं या जितनी लाइनें बनी हैं वो उन तमाम स्टूडेंट का स्क्वायर रूट होगा। टोटल स्टूडेंट कितने इसमें हैं? 25। एक लाइन में कितने खड़े हैं? 5। लिहाजा हम बोलेंगे कि 25 बॉयज का स्क्वायर अगर बनाने जाएं तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 5 निकलेगा। ये बात समझ आ गई आपको? ये तसव्वुर के साथ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट मालूम कैसे करते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं। तो इसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, फर्ज कीजिए आपके पास 324
इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, 324 का स्क्वायर रूट मालूम है। क्या मतलब हुआ 324 का स्क्वायर रूट मालूम करने का? ऐसा नंबर मालूम करना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 324 आए। और अगर आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 324 लड़के हैं, उनको मैदान में खड़ा करके क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। आप कैसे बोलोगे भाई बना लो स्क्वायर? आपको बताना पड़ेगा एक लाइन में कितने खड़े होंगे। तो एक लाइन में कितने खड़े होंगे और कुल कितनी लाइनें बनेंगी, ये आपको पता चलाना है स्क्वायर रूट में। क्लियर? तो पहला मेथड हम लगा रहे हैं, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, जिसमें आप फैक्टर्स बना लेते हो। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 3 1 3। ये फैक्टर आपने लिख लिए, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3, ऐसा ही है। इसके पेयर बना लेते हैं। अब आप क्या बना लेते हैं, पेयर। इस पेयर का 2 बाहर निकाल लीजिए, इस पेयर का 3 बाहर निकाल लीजिए, इस पेयर का 3 बाहर निकाले, 2 3 6 6 3 18। तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या निकला, 18 निकला। आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। स्क्वायर रूट जो है वो निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन का मेथड बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं, आप इसका स्क्वायर रूट निकालें, 1089। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालिए। ये 2 से कैसे काट लिया लड़की? नो ऐसी उतार लिया, नो तो नहीं कटता, उतारते थोड़ी है इसमें वापस। तीन से कटेगा ये कैसे काटा तुमने? ये कैसे काटा था 10 को? भाई इसमें कॉमे क्यों लगा रहे हो? खालू पूरा एक लफ्ज है ये तो। तीन तीन नौ, 3 नहीं 18। भाई ये 11 से कटता और किसी से नहीं कटता। ये 121 11 से कटता और किसी से नहीं कटता। तुमने क्या करा, ऐसे उतार देगा नीचे? ये 121 है, ये किससे काट रहे हो? 2 से कैसे कटेगा? कैसे तुमने काटा बताओ मुझे। एक ऐसे उतार लिया, उतारते तो नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए जिनको नहीं आ रहा समझ में, इसके फैक्टर बनाने के लिए कहा है। जब आप किसी के फैक्टर बनाते हैं तो ये वाला थोड़ी करते हैं कि आप ये नहीं कट रहे तो इसको नीचे उतार लिया। वो भाई वो जब आप एलसीएम निकालते थे और 2 से ज्यादा नंबर होते थे, कोई नंबर नहीं कटता था टेबल से, तो पूरा नंबर उतार लेते थे। यहां थोड़ी होगा कि आपने 2 से काटा, 2 5 10, 2 4 8, 9 नहीं कटा, 9 नीचे उतार लो, ऐसे नहीं होगा। ये आप एलसीएम नहीं निकाल रहे हो, फैक्टर बना रहे हो। एलसीएम निकालना अलग है, फैक्टर बनाना अलग है। इसको मैं 3 से काट रहा हूं, 3 3 9, 1 18, 3 6 18, और 3 3 फिर 3 से काटो, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 121 के बारे में याद रखिए कि ये 11 के अलावा किसी से नहीं कटता। ठीक है, 121 के बारे में याद रखो कि 11 के अलावा, तो 11 से काटा, 11 1 11, 1 बच गया, 1 वहां चला गया, क्या बन गया,
11, 11 वन जा 11 और 11 वन जा 11, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3 × 3 × 11 × 11, इसका फैक्टर क्या बना 3, इसका पेयर क्या बना 11, 11 3 जा 33। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, एक सवाल और दे रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है। 9801 करें, नाइन एट जीरो वन, तीन से काटे, जी भाई 9801, इसमें सब बच्चे गलती करेंगे, जी जी देखिए क्या क्या करना है, 9801 इसका फैक्टर करना है, हमने तीन का टेबल लगाया, इसके आखिर में वन आ रहा है, तीन के टेबल से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 2 6, कितने बचे, 2 वहां चला गया 20, 3 6 18, वहां चला गया 2 21, 3 7, समझ में आ गई यहां तक? अब फिर तीन से काट रहे हैं आप, 3 1 तीन के पाड़े में 2 नहीं आता, 0 लगाना पड़ेगा, क्या दे, तीन के पाड़े में 2 नहीं, एक वक्त में एक काट रहे हैं आप, 2 काट रहे हैं एक साथ, तो क्या लगाना पड़ेगा, 0, 3 8 24, कितने बचे, 2 27, 3 9 27, ये तो वही आ गया, 3 3 10, 3 6 18, 3 3 फिर 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, फिर 11 1 11 और 11 1 11, फिर 11 1 11, तो इसके फैक्टर क्या क्या है, 3 × 3 × 3 × 11 × 11, इसका फैक्टर आ गया, इसका फैक्टर आ गया, पेयर आ गया 3, इसका पेयर आ गया 3, इसका पेयर आ गया 11, 3 3 9 11 9 99, तो ये क्या बना 99। चेक करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 99 से 99 को, 9 9 81, 9 9 81 और 8 89, फिर ये 198, 10, 18 के 8 हासिल लगा 1 9, 9801। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ये सबको, या आपकी किताब में बहुत सारे सवालात होते हैं, 7th की क्लास में भी और मेरा ख्याल 8th में भी, उसमें से आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, आपको आना चाहिए ये फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, एक मेथड और होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड, क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड, वो क्या है समझ लीजिए,
थ्री टू फोर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सही है? तो आप करते ये हैं कि सबसे पहले सीधे हाथ से पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, इस अकेले को आप ऐसा निशान लगा देते हैं, सिंगल निशान, कि ये सिंगल है, ये समझ में आ गया? और फिर आप इसको डिवीजन का निशान बना के हल करते हैं ऐसे। पहले सिर्फ तीन हल होगा, बाद में ये 24 अलग से हल होगा। तो आपको अब टेबल लगाना है जो तीन को काटे। एक तो ये है कि हम लगा सकते हैं 3 1 3, लेकिन आप इस मेथड में अगर तीन का टेबल लगा रहे हैं तो आप सिर्फ 3 3s पढ़ सकते हैं। अगर आप 2 का टेबल लगा रहे हैं तो 2 2s पढ़ सकते हैं। अगर आप 5 का टेबल लगा रहे हैं तो 5 बस। तो अगर मैं यहां 3 लगाऊंगा तो 3 3s तो 9 होता है, तो बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं यहां कौन सा टेबल लगाऊंगा? 1। तो मैंने लिखा 1, और यहां पे भी क्या लिखा? 1 1 1, और इसमें से इसको माइनस करके कितने बचा? 2। ये पूरा उतर लिया 2 4, पूरा जोड़ा एक साथ उतरता है इसमें, ठीक है? 6 वालों को समझना है, ये उनको पता नहीं है ये, बाकी 7 8 के थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है। अब आप जो ये लिखा होता है इसमें यही जमा कर लेते हैं, 101 कितने हो गए? 2। इस 2 को आप ले जाते हैं रफ में, कहां ले जाते हैं? और इसके साथ यहां और यहां कुछ लगाना है, एक जैसा रकम, एक जैसा अदद, और उसको मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ जाए? 2 2 4 आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं 2 लगाता हूं, नीचे भी 2 लगाऊंगा, 2 2 4, 2 2 4 आया? नहीं आया, 2 लगाने से नहीं आया। आप क्या लगाऊं? फर्ज करें 3 लगाया, 3 3 9, 3 2 6, आया? नहीं आया, तो बहुत छोटा है। 5 लगा दें, मिसाल है 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, आया? अभी भी नहीं आया। 8 लगा दें, क्या लगा दें? 8 8 8 64, 8 2 16 और 6 22, आया? यस आया। क्या लगाने से आया? 8 लगाने से है, तो 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 8 यहाँ पर भी लगाएंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? 2 2 4। तो इसमें से ये निकाला, कुछ नहीं बचा आपके पास, स्क्वायर रूट क्या आ गया? 18। सबको समझ में आया? आसान है, मुश्किल है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें, 1 0 8 9, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। पेयर बनाएंगे सबसे पहले, यहां से आपने एक पेयर बनाया, यहां से आपने एक पेयर बनाया, पहले 10 को काटना है। किस टेबल से काटें? अगर आप 2 का टेबल लगाते हैं तो 2 2 4 होता है, अगर आप 3 का लगाते हैं 3 3 9 होता है, और अगर आप 4 का लगाते हैं 4 4 16 होता है, ज्यादा हो जाता है। तो क्या लगाएंगे? 3 का, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 8 9 नीचे उतार लिया, इसमें यही जमा करते हैं 6। अब क्या करें? 6 को कहां ले जाएं? रफ में, और इसके साथ कुछ लगा के देखना, 2 लगा के देखिए, 2 2 4, 2 6 12, आया? 3 लगा के देखिए, 3 3 9, 3 6 18, आ गया। क्या लगाने से आया? तो 3 यहां पे भी लगाया, 3 यहां पे भी लगाया, 3 यहां पे भी लगाया, 189। जवाब क्या हो गया? 33। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 9 8 0 1, क्या करेंगे बताएं? सबसे पहले पेयर बनाएं, ये पेयर क्या है? 98 है, 98 किस टेबल में आएगा? 9 9 81, सही? आपको जो टेबल लेना है उसको उसी तक पढ़ना है बस, तो 9 9 81, तो मैंने लिखा 9 9 81, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 लगा के जमा कर लो, कितने हो गए? 18 को कहां ले जाएं? रफ में। अच्छा, पूरा पेयर उतार लीजिए, 18 को रफ में ले जाएंगे, इसके साथ कुछ लगाएंगे। देखो लगाने का तरीका यहां क्या है, 1, अगर मैं 3 लगाता हूं तो 3 3 क्या होता है? ये तो 9 नहीं है,
अगर मैं चार लगाता हूं तो चार चौक क्या होता है, 16, 16 में तो 6 आता ही, 6 नहीं है। पांच लगाने से क्या आएगा, 5 × 5 = 25, 5 नहीं है। 7 लगाने से 9 भी नहीं है। 8 लगाने से 8×8 = 64, वो भी नहीं है। 9 लगाने से 9×9 = 81, 1। तो ये आप जहन में सोचते हो, तो क्या लगाऊं, 9 लगाऊं, 9×9 = 81 का 1 कैरी हो गया 8, 9×8 = 72, 72 और 8 80, 9×1 = 9 और 18 = 17 आ गया। क्या लगाने से आया, 9 और 9, यहाँ पे भी 9 लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया 1701, पूरा कट गया, जवाब क्या हो गया, 99। क्लियर हो रही बात आपको, ये तीनों उतारें पहले जल्दी से, उसके बाद मैं एक सवाल दूंगा वो आपको करना है।